हेलो गाइस, वेलकम टू सेटम पॉन गोल। दिस इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं AKTU UPSCET के चॉइस फिलिंग के बारे में। मेरे पास बहुत ही लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरा आप देख लो सही है या नहीं है ऑर्डर सब कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, सब लोग पहले आप ना यहाँ से एक बार मैच करो, देन वी विल फॉर द मूव। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे भेज देना, मैं सबका एक बार री चेक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को बहुत ही सही तरीके से करते हो तो फिर आपके चांस बढ़ जाते हैं आपके डिजर्विंग कॉलेज में जाने के। कब आपको बता दूँ, इस बार कम ज़्यादा रैंक पर भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, 2.5 लाख 3 लाख रैंक वालों को भी इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड हुई हैं। तो सबसे मेन मुद्दा होता है, जब भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे उसमें मेन मुद्दा ये होता है कि आप पहले एक वो बनाओ कि कौन कौन से कॉलेज आपको टॉप पे रखने हैं। तो उसके लिए आपको एक थीम बनानी पड़ती है कि सबसे कॉलेज को कैटेगरी वाइज बांटना और टॉप के कॉलेज को छांटना, उसके बाद उसके टॉप ब्रांचेस को डालना। तो पहले मैंने उसको बना रखा है, मैं आपको एक बार शो करता हूँ कि हम किस हिसाब से काउंसलिंग करने वाले हैं, किस कॉलेज को हम पहले रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, किसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे। गाइज, इस वीडियो में आपके लगभग डाउट्स, लगभग क्वायरीज क्लियर हो जाएंगी। और ये जिस भाई साहब की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, इन्होंने मेल किया था अपना वो कि भैया मेरा कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं इनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैं बताऊँ कि इनकी जो कंडीशन है उसको भी मैं बताऊँगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन हो, तो अभी तो इसको रिमूव करिए। IIT इलाहाबाद को मैं सबसे पहले नंबर पर रखूँगा, लखनऊ जिसे टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, NIT BIT, आप अम्बेडकर को भी चौथे पे रख सकते हो। उसके बाद से राजकीय हैं, राजकीय वाले कॉलेजेस हैं जो अभी टॉप पे चल रहे हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। जो मतलब टॉप के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको मैंने ऑर्डर के हिसाब से काफ़ी रिसर्च करके ऑर्डर के हिसाब से इस तरीके से इनको रखा हुआ है, ठीक है। मैं इनके ही ब्रांच को सबसे पहले फिल करूँगा। अब इसमें मैंने ना कॉर्पोरेट और टेक्सटाइल वाले को भी ऐड किया है, जो कि बढ़िया है, पर जो लोग कॉर्पोरेट या टेक्सटाइल से नहीं पढ़ना चाहते हैं वो इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो, HBTI में आयल ले, HBTU में आयल, लेदर, ऑयल, लेदर, इन सबसे तो बढ़िया ही प्लेसमेंट है। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कानपुर का, सॉरी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कानपुर का, तो UPSCET का अच्छा ही प्लेसमेंट है उन सबसे। तो आप इसको प्रिफरेंस दे सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप बहुत बेकार रैंक पे हो और आपको लग रहा है कि कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको कुछ भी चाहिए तो आप इन दोनों को, टेक्सटाइल को और कारपेट को भी वो कर सकते हो। इसमें मैंने दो चीज़ छोड़ दिया, एक IIT, ठीक है, और एक प्लस में IIT के साथ साथ पहले तो IIT और एक फिरोज गांधी करके आप उसको भी वो कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ का। तो गाइज, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ वाला मामला है, मैं पहले उसको क्लियर करता हूँ। ये तो रहा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये अदर यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, अभी लॉन्च हुए ऐसा कह लो। तो इसमें क्या है ना यार, एक तरीके का सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सारे की सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, ठीक है। सॉरी, तो प्राइवेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाले सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, पर इसमें कौन सा कितना बढ़िया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कई थे तो यूनिवर्सिटीज़ मुझे बहुत बेकार, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, मतलब सब बी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे गोरखपुर की यूनिवर्सिटी DDU पार्टिसिपेट कर रही है, नया नया BTEC इसमें लॉन्च हुआ है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। इधर लोकल बच्चे ही मिलते हैं, मतलब गोरखपुर मंडल का ही बच्चा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं और लखनऊ से बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। पर आप देख सकते हो, अगर आपकी रैंक ख़राब है तो इधर जा सकते हो, लेकिन ये है छत्रपति साहू जी महाराज, ये बढ़िया है, यू कैन गो हियर डेफिनेटली, ठीक है। आप इसको पाँचवें पे भी रख सकते हो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं है पर गुड, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, ठीक है, मॉडरेट कह लो, गुड मत को, इसे गुड मत को,
क्योंकि फीस बहुत लेता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, पर ठीक है डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। तो अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से कम है तो इन दोनों को डाल सकते हो, और अगर आपकी रैंक 2 लाख है तो आपको नीचे भी जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। 2-2.5-3 लाख रैंक है तो आपको नीचे भी डालना पड़ेगा। तो आप इनका CS डाल सकते हो, IT डाल सकते हो। ये अवधि यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया वाला, ये भी बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, पर इनकी फीस तो है ना कम है। जैसे मैं छत्रपति साहू जी की कहूँ तो इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, पर ब्रांच में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दिस इज द ये है छत्रपति साहू जी महाराज, इसमें आप देख रहे हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में एक स्पेशलाइजेशन है उससे अगर आप कर रहे हैं तो 93,000 पड़ जा रहा है, बाकी 88,000 बाकी सारे कोर्सेज का फीस है। तो प्राइवेट से तो सस्ता ही है, ठीक है, और कॉलेज भी बढ़िया है, मतलब बढ़िया कॉलेज है, ऐसा नहीं कि बेकार कॉलेज है, मॉडरेट लेवल कह सकते हो। तो मुझे तो ठीक लगा ये कॉलेज, ठीक है, तो आप इस कॉलेज को भी वो कर सकते हो। इसके अलावा और भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है 65,000 के आसपास। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कहना मैं बना दूंगा, ठीक है, आप बस बताओ तो कमेंट बॉक्स में, भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो मेरा स्टूडेंट है इसने कुछ बातें मुझे बोल रखी है पहले से ही, इसने अपनी जिम्मेदारी तो ये मुझे दी थी, बहुत बच्चों ने अपना वो दिया है कि मेरा कर दो, तो मुझे सबका अभी काउंसलिंग में बैठ के कर ही रहा हूँ, पर मैं बताता हूँ इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि सर मुझे जो आप जो भी आप अपने हिसाब से ब्रांच वो करना आप देख लेना आपको क्या करना है, पर मुझे CS, CSE, IT और EC यही चाहिए, बाकी इन तीनों में के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, भले कॉलेज लो हो जाए या फिर मैं प्राइवेट की तरफ चला जाऊँ, और लेकिन देख लेना प्राइवेट में भी हो तो टॉप का हो, अदरवाइज़ मैं फिर कॉलेज नहीं लूँगा। तो यही हमें मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसने ये दो कंडीशन रखा है कि सर ये लो ब्रांच नहीं होना चाहिए, मुझे CS, IT, EC ही चाहिए, और दूसरी बात इसने बोली है कि सर प्राइवेट अगर मिले तो टॉप का ही मिले, जो आपने लिस्ट बनाया है वही मिले, अदरवाइज़ मैं किसी और में नहीं जाऊँगा अगर अच्छा नहीं हुआ तो। मैं इस हिसाब से अब इसे काउंसलिंग करवानी है मुझे कि मैं इसमें से ही कोई इसको दिलवा दूँ, तो इस हिसाब से मैं चलिए काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब आपको काउंसलिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे वो करना है गवर्नमेंट एंड एडेड एंड गवर्नमेंट, क्योंकि हम सबसे पहले गवर्नमेंट भरते हैं, उसके बाद से आप IIT के सारे सीटों को भर लीजिए। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम कितने चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो गाइज आप सारे चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है, आप मैक्सिमम जितना चाहो उतना भर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उतना ही चॉइस सेलेक्ट करो जितना आप ले सको, ठीक है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब कम भी मत कर देना कि मिल ही ना पाए कोई, और ज़्यादा भी मत कर देना कि कबाड़ सबाड़ कॉलेज उठा के भर दिए, बाद में उन्होंने दे दिया तो 20,000 अब देने में आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा कॉलेज अलर्ट होगा, आपको 20,000 इनको पे करना होगा। अगर मान लीजिए आपने कबाड़ सबाड़ कॉलेज भरा हुआ है, फालतू कॉलेज भर दिया जो आपको अब लेना नहीं है, और आपने क्या किया कि तो फिर आप 20,000 देने से कतराओगे, और अगर आपने इनको 20,000 पे नहीं किया, फी एक्सेप्टेंसी पे नहीं किया, और उस कॉलेज में फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं पहुंचे, तो ये लोग आपकी सीट को कर देंगे कैंसिल। तो सीट कैंसिल करने के साथ साथ आपको राउंड से बाहर भी कर दिया जाएगा, तो क्या पता सेकेंड राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता, पर सिर्फ आपकी इस गलती की वजह से आप राउंड से बाहर ही हो गए, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम भरते कैसे हैं, तो हम टॉप से भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना निशाना बनाऊंगा IIT लखनऊ को,
और वो भी फी वीवर वाली सीट पहले भरते हैं। फी वीवर कैसे पता चलता है? तो देखो यार, जितनी जितने सीट के नीचे FW लिखा है उसका मतलब है फी वीवर की सीट है। तो ये IIT लखनऊ 0052 इसका कोड है, मैंने इसके ब्रांच को भरा। तो ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा, इधर फील्ड चॉइस दिखाएगा और इधर से चॉइस चूज करना रहेगा। तो मैंने IIT लखनऊ के चॉइस को चूज करा, ठीक है। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस फी वीवर, कंप्यूटर साइंस AI कंप्यूटर, फिर उसके बाद से IIT के कंप्यूटर साइंस को चूज कर लिया। फिर मैंने सेल्फ फाइनेंस भी डाल दिया क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डाला है, फिर कम्युनिकेशन का फी वीवर डाला है KNIT में, ठीक। कंप्यूटर का फी वीवर, अब मैं कंप्यूटर का फी वीवर IIT के कम्युनिकेशन से ऊपर रखना चाहता हूँ। तो मैंने ऊपर यहाँ से अप कर दिया तो KNIT सुल्तानपुर का कंप्यूटर ऊपर चला गया, ठीक बात। उसके बाद से कमला नेहरू वगैरह वगैरह मैंने डाला है, कमला नेहरू का। तो ध्यान से देखते जाओ, सबसे पहले मैंने क्या डाला, IIT लखनऊ को चूज किया कंप्यूटर, उसके बाद से कमला नेहरू को चूज किया कंप्यूटर ICEC, उसके बाद मैंने बुंदेलखंड में चूज किया कंप्यूटर ICEC। ये तीनों चूज करने के बाद, ये तीन जो मेरे टॉप के थे मैंने इनको चूज कर लिया। अब मैं सीधे बढ़ूंगा प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट में मैं इन सबके पहले ना फी बिहेवियर को चूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर इधर फी बिहेवियर मिल गया ना तो बल्ले बल्ले है, नहीं मिला तो फिर हम दूसरा उसके लिए चूज करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट पे आ जाओ, ठीक। तो अब ध्यान रखना कि जो यूनिवर्सिटीज है फी बिहेवियर नहीं देता है, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी में फी बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अब अजय कुमार गर्ग पे आऊँगा। देखो ABBS ए भी ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी रीअरेंज कर लूँगा, पर मैं चूज कर ले रहा हूँ पहले कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का फी बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद से ABS इलेक्ट्रॉनिक्स का फी बिहेवियर, उसके बाद से कम्युनिकेशन, सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का फी बिहेवियर, सॉरी IIT का फी वीवर, फिर अपन ने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का फी वीवर। ये तीन मैंने ABS से चूज कर लिया, बाकी अभी कुछ चूज नहीं करूँगा। फिर मैं काइट भी लेना है तो काइट भी चूज कर लूँ, मतलब सबका चूज करके अभी मैं रीअरेंज कर लूँगा उस हिसाब से, ठीक है। तो काइट में सबसे पहले मैंने इसे, अब देखो सेव और कंटिन्यू और सेव एंड गो टू होम में क्या अंतर होता है, देखो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू मतलब जितना मैंने चूज किया वो मैं सेव कर दिया और फिर आगे अभी और कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और सेव एंड गो होम में क्या करेंगे, सेव करके आप होम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी उस पे वो करूँगा। मैंने क्या करा, ABS चूज करा, ठीक है, ABS चूज करा। उसके बाद से ABS चूज करा, मैंने इंफॉर्मेशन को ऊपर रखना है, ABS चूज करा। अब मैं काइट चूज करूँगा, अभी काइट दिखा नहीं रहा, बट लेट मी चूज काइट। काइट का फी वीवर आप चूज करिए तो काइट इधर दिखाएगा। उसके बाद से आप काइट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज करिए, तो आप काइट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज करिए। अभी मैं रीअरेंज कर दूंगा सबको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर काइट का आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज कर लीजिए, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब काइट के बाद से अपन लोग एक ही अजय कुमार गर्ग में जाएंगे, अजय कुमार गर्ग सब एक ही साथ मिल जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक स्पेशलाइजेशन है AI और मशीन लर्निंग में, तो ये बढ़िया ब्रांच है, तो मैं पहले इसको चूज करूँगा। उसके बाद से कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, ठीक है। तो डाटा साइंस भी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं इसको भी चूज करूँगा क्योंकि बढ़िया है, हाइब्रिड ब्रांच है। उसके बाद से मैं कंप्यूटर साइंस में आऊँगा, कंप्यूटर साइंस में आऊँगा, उसको चूज करा, ठीक। अब कंप्यूटर साइंस के बाद मैं आऊँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी मैं सिर्फ फी वेवर चूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फी वेवर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का फी वेवर चूज कर लिया, तो यहाँ तक मैंने चूज कर लिया, अजय कुमार गर्ग तक हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चूज कर लिया इधर से देखो, अभी मैं रीअरेंज कर लूँगा सबको। मैंने अजय कुमार गर्ग चूज कर लिया, ABS चूज कर लिया, काइट चूज कर लिया। अब जैसे नोएडा पे आते हैं, ठीक, जैसे नोएडा पे आते हैं, तो मैं अभी आपको ना शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूँ, अब तो आप सीख गए होगे कि कैसे कैसे चूज करना है। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ऐसे करूँगा तो, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी तो मैंने कुछ करके चूज करके दिखाया, आप ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि देखो मेरा प्लान क्या है, मैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा प्लान समझो तुम, ठीक है, जो CS IT लवर हैं वो समझें पहले, वो पहले समझें, ठीक है, प्लान समझें।
मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इसके फी बिहेवियर को ऐड किया, सीएससी आईटी, ठीक, इसका फी बिहेवियर। उसके बाद से सी आईटी लखनऊ में, फिर सीएससी आईटी नॉर्मल मैंने चूज कर लिया, ठीक, आईटी का। फिर केएनआईटी में, अब मैं यही प्रोसेस केएनआईटी के लिए कर लूँगा, केएनआईटी के लिए कर लूँगा, ठीक, और यही प्रोसेस बीआईटी के लिए कर लूँगा। ये दोनों सीएससी रख लिया, उसके बाद मैं ईसी पे आ जाऊँगा। इन तीनों का फी बिहेवियर ईसी डालूँगा, फी बिहेवियर इन तीनों का डाल दिया, इन तीनों के लिए फी बिहेवियर डाला, ठीक है, फी बिहेवियर का वो नहीं है, ठीक है। अब फी बिहेवियर के नीचे देखो, इसका आईटी का फी बिहेवियर और उसके बाद उसके नीचे उसका नॉर्मल सीट इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, इसका फी बिहेवियर, उसके बाद उसका नॉर्मल, उसके बाद उसका नॉर्मल। तो मैंने ये वाली सारी फिल कर ली, ठीक है, इन तीनों टॉप ब्रांचेस का फिल कर लिया। उसके बाद मुझे पता है प्राइवेट में इन तीनों ब्रांचेस का बढ़िया प्लेसमेंट है, ठीक है, तो मैं प्राइवेट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि मैं प्लेसमेंट को लेके ही चल रहा हूँ। अगर सीएसआईटी से बच्चा पढ़ रहा है तो मैंने इन सब का पहले सीएससी डालूँगा, सीएससी, ठीक है, सीएससी, ठीक है, इन चारों का पहले सीएससी डाल दूँ, क्योंकि चारों बढ़िया हैं, ज़्यादा ही बढ़िया हैं इनका फी वेवियर वाला। उसके बाद से इन चारों का सीएससी का फी वेवियर डालने के बाद इन सब का आईटी डालो फी वेवियर के बाद। अब उसके बाद से फिर इनका एक सेट बनाओ, इन सब का सीएससी, ठीक है, सीएससी, ठीक है गाइस, सीएससी आईटी डालते जाओ फी बिहेवियर वाला। उसके बाद में आप सबका ईसीई डाल दो फी बिहेवियर का, इसे एकेजी से स्टार्ट करो, ईसीई तो ईसीई डाल दो, क्योंकि ईसीई तब चूज करना चाह रहा है मेरा स्टूडेंट जब उसे कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन ना मिले। अब देखो, अब इसमें भी सीएससी में भी ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको मैं ऊपर रखूँगा, डाटा साइंस इसको भी मैं ऊपर रखूँगा इसके बाद, ठीक। अब ये सब डाल दिए, उसके बाद से मेरा जब ये हो गया तो मैं यूनिवर्सिटी वाले को भरूंगा। अब यूनिवर्सिटी में जब मुझे भरना होगा तो ध्यान दो, यूनिवर्सिटी में पहले मैं इसको डाल दूंगा, दिस दैट इज़ गुड, यूनिवर्सिटीज़ में मैं इसको डाल दूंगा, इसका मैं सीएससी, इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्लस उसके बाद से उसके नीचे मैं सीएससी नॉर्मल डाल दूंगा, ठीक, उसके बाद इसका आईटी डाल दूंगा, और मन करेगा तो इसी डाल सकता हूँ, पर इसी अभी मैं नहीं डालूंगा। उसके बाद से जब इतना हो गया तो उसके बाद से आप आ जाओ इधर, इधर टॉप में आ जाओ, हैंडीकैप्ट वाले में, हैंडीकैप्ट जब इतना कर लिया आप तो आप डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ट में आ जाओ, इसको इसका सीएससी और आईटी डालो, पहले फी भी डालना उसके बाद से इसकी नॉर्मल सीट डाल देना, एकदम समझते चलो, ठीक है, बेस्ट है, बता रहा हूँ मैं, बेस्ट बता रहा हूँ। अब डॉक्टर अंबेडकर वाला डालिए, जब हम डॉक्टर अंबेडकर वाला डालिए तो अब आ जाओ राजकीय में, ठीक, राजकीय में आ जाओ। अब राजकीय में डालने से पहले ना आईआरटी का तुम सीएससी डाल दो, क्योंकि फीस कम है और लोकेशन अच्छा है इलाहाबाद में, ठीक ठीक। अब आ जाओ आईटी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरईसी बिजनौर पे आ जाओ, इसमें बिजनौर का सीएससी डाल दो, अम्बेडकर नगर का सीएससी डाल दो, बांदा का सीएससी डाल दो, कन्नौज का सीएससी डाल दो, इन चार का सेट बनाओ, फिर उसके बाद से आईटी डालना स्टार्ट करो, फी बिहेवियर का पहले, उसके बाद से नॉर्मल, ठीक, आईटी डालना स्टार्ट करो, उसके बाद से ईसी डालना स्टार्ट करो, इसी डालना स्टार्ट करो। तो ये प्रोसेस सबके लिए ही है, जो लोग भी सीएसआईटी इसी से पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद से आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, या फिर अगर आपको टेक्सटाइल से पढ़ना है तो आप डाल सकते हो, ठीक। मैनपुरी वैनपुरी मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर आप डाल सकते हो, ठीक है, तो इसको भी आप डाल सकते हो। उसके बाद से आप आ जाओ प्राइवेट में। अब देखो यार, इधर जो है ना, अब जिनको डिसाइड करना है, एक तो कॉलेज अच्छा चाहिए तो प्राइवेट में जाओ, या फिर अगर गवर्नमेंट में कम फीस में पढ़ना है तो ए बचे हुए हैं, ए लोग बचे हुए हैं, तो आप प्राइवेट में डाल सकते हो।
तो आप चाहो, आपका मन हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी डाल दो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सीएससी डाल दो, ठीक है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में सीएससी डाल दो, मेरठ में सीएससी डाल दो, आगरा में डाल सकते हो, लेकिन मैं तो अभी इस बच्चे को रिकमेंड करूँगा इन सब में डालो। अब प्राइवेट का नॉर्मल सीट डालो, AKG, ABS, काइट्स, SS, गलगोटिया, राजकुमार, ठीक है, IMS, CL बाजार। अब देखो ये 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 तुम इनका CSC और IT और ECE डाल दो। अब देखो दो बात एक और हो जाएगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो ए वाला सेट है ना, ये पूरा जो सेट है, मैं पहले प्राइवेट का सेट डालता हूँ, मुझे अच्छा पैकेज चाहिए, मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं पहले इसका सेट डालता हूँ फिर इस सेट को डालूंगा। तो ये भी ठीक बात है, ठीक है, ये भी ठीक है कि पहले इस सेट को डालने के बाद उस सेट को डालो, ए डाल दो, ठीक। अब आपकी चॉइस है कि आप पहले प्राइवेट को प्रीफर कर रहे हो या पहले गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट को प्रीफर कर रहे हैं पहले इस सेट को डालेंगे, ठीक है, फिर आप चाहें तो इस सेट को डाल सकते हैं, नहीं तो इस सेट को डाल सकते हैं ये अदर यूनिवर्सिटी वाले। तो ये जो सेट बना चार, इसके हिसाब से आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। अगर आप ऐसे करते हो तो CSE, IT, ECE आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब मैं भाई का जा रहा हूँ काउंसलिंग का पूरा ख़त्म करने, तो आप लोग भी इसी हिसाब से काउंसलिंग करना। काउंसलिंग प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताना, आई विल हेल्प यू। उसके बाद से आपको कंटिन्यू एंड सेव कर देना या फिर कंटिन्यू टू गो होप कर देना। और जब सबका हो जाए तो यहाँ पे चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है, लॉक चॉइस, अब लगे कि अब हो गया, अब मुझे कोई चेंज नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आप चॉइस को लॉक कर सकते हो, ठीक है, ये सही बात है, तो आप इस हिसाब से करो। तो अब आई होप आपको सब कुछ वीडियो में समझ में आ गया होगा, सारी कंफ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर चॉइस फिलिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, और मैं इसके बाद एक और चॉइस फिलिंग की वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, सॉरी, जिसमें मैं उन बच्चों के लिए बनाऊंगा चॉइस फिल करवाऊंगा जिनकी 4 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, उनको कैसे कॉलेज मिल सकता है, उनके लिए मैं चॉइस फिलिंग करवाने जा रहा हूँ। ये अप टू 2 लाख है, अप टू 2 लाख वालों को ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है, अगर वो CSIT और ECE लवर है तो, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करना। उसके बाद से मैं ई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जो चाहता है प्राइवेट सॉरी अदर यूनिवर्सिटीज़ का डिटेल वीडियो यहाँ से आके देख सकता है। तो चलो गाइस, फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी इशू आए तो, आई एम अ काउंसलर, ठीक है, मैं इस बार काफ़ी बच्चों की वैसे ही काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई इशू हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, और अगर कोई भी वीडियो में कमी रहेगी हो तो ज़रूर सजेस्ट करना। 100 लाइक का हम लोग टारगेट रखते हैं, मैं बहुत छोटा चैनल है अपना, तो यार क्या ही करें, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा, बस 100 ही मांग रहा, मुझे पता है 1000 लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं पर उसमें से 100 लोग भी लाइक नहीं करते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा मुझे दुख होता है यार। आप चाहो तो कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दिस फॉर मी। ओके, बाय गाइज, टेक केयर, एंड सेकेंड वीडियो का वेट करो।